इंटरनेट की ताकत से रातों रात स्टार बन जाने वाले प्रदीप मेहरा के बारे में आज पूरा देश बात कर रहा है। हर कोई प्रदीप के बारे में जानना चाहता है। आखिरकार 19 साल की उम्र में उनके अंदर ऐसा जज्बा आया कहां से, जिसके आगे किस्मत तक घुटने टेकने पर मजबूर हो जाए। दरअसल फिल्म मेकर विनोद कापरी ने प्रदीप मेहरा का आधी रात को दौड़ते हुए का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला और रातों रात इस वीडियो ने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी। पिछले 24 घंटों में प्रदीप के पास लगातार लोगों के फोन आ रहे हैं और उन्हें मदद की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में हम आपको प्रदीप के बारे में सब कुछ बताते हैं कि आखिर वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ तक वो पढ़े हैं और कैसे नोएडा आए। आपको बता दें कि प्रदीप मेहरा 19 साल का एक लड़का है जो रातों रात सोशल मीडिया के जरिए स्टार बन गया है। प्रदीप को इंडियन आर्मी में बतौर सिपाही भर्ती होना है और इसीलिए वो रात को जब नौकरी से घर लौटता है तो दौड़ लगाते हुए लौटता है। प्रदीप रोज 10 किलोमीटर की दौड़ लगाता है। वो रोज सेक्टर 16 से बरोला गांव अपने घर दौड़ लगाकर पहुंचता है। वही प्रदीप मेहरा उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के छोखुटिया गांव के रहने वाले हैं और यही के तड़ागताल इंटर कॉलेज से उन्होंने 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास की है। 12वीं करने के बाद प्रदीप को अपनी माँ के इलाज के लिए नोएडा आना पड़ा। वो पिछले 7 से 8 महीनों से नोएडा बरोला गांव में रह रहे हैं। वहां वो अपने बड़े भाई के साथ रहते हैं। आपको बता दें कि प्रदीप मेहरा ने 14-15 साल की उम्र में ही सेना में भर्ती होने का लक्ष्य रख लिया था। वो कहते हैं कि उन्हें आर्मी में बतौर सिपाही भर्ती होना है ताकि वो सीमा पर अपने देश के लिए लड़ सके। प्रदीप का मानना है कि वो गुमनाम मौत नहीं मरना चाहते बल्कि वो शहीद होकर मरना चाहते हैं। प्रदीप ने करीब 17 साल की उम्र में पहली बार सेना भर्ती की परीक्षा दी थी, लेकिन वो दौड़ में पास नहीं हो पाए थे। तभी से उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें सेना में ही जाना है। अल्मोड़ा के रहने वाले प्रदीप बताते हैं कि उन्हें बचपन से ही फौजियों के बारे में बहुत कुछ सुना है और देखा है। अपने गांव में वो फौजियों को देखते हैं और उनके बारे में सुनते थे और तभी से उन्होंने ठान लिया था कि मुझे सेना में ही जाना है। प्रदीप का कहना है कि एक फौजी जो अपने देश के लिए करता है उससे उनको बहुत लगाव है और इसीलिए उन्हें बचपन से ही फौज का जुनून चढ़ा हुआ है। बाकी दोस्तों, आप प्रदीप मेहरा के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।